नमस्कार, आज मैं आपके सामने काजू कतली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, अगर उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये काजू कतली जो है ना, ये बहुत बढ़िया लगती है, हम किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए, हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम बनाते हैं काजू कतली। चलिए, तो हमने स्टार्ट करते हैं इसको। काजू ले लिए हैं। अब इन काजू को हम क्या करेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार काजू को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कहीं पे भी कुछ काला ना रहे इसमें। इसको हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे, इसको दो दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हमने ये सारे काजू तोड़ लिए हैं, इसलिए तोड़ लिए क्योंकि ये जल्द आसानी से पीस सकें और अच्छे से साफ़ भी कर लिए हैं। ये हमारे सारे काजू अच्छे से साफ़ हो गए। अब इसे हम ग्राइंडर में अच्छे से पीसेंगे। इस तरह से हम ग्राइंडर में डाल के उसको पीसते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसको एक बार में ही नहीं, थोड़ा बंद करके चालू करना, थोड़ा बंद करके चालू करना। इस तरह से हमको पीसना है। अब यहाँ पर हमने पूरा काजू को पीस लिया है। अब उसे हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से छानने से क्या होगा, जो उसके जो मोटे मोटे हैं वो ऊपर आ जाएंगे और नीचे एकदम फाइन पीस मिलेगा। इस तरह से छान लेंगे। अभी हमने काजू का अच्छे से छान लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया बारीक सा आया है, एकदम पफिनेस टाइप का। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जो स्वाद आता है ना, वो एकदम रेस्टोरेंट टाइप का स्वाद आता है। इससे एकदम हलवाई जैसे जो लगता है ना, उसी तरीके से बनता है मिल्क पाउडर से। ये देखिए, आप देखने से पेस्ट समझ में आ रहा होगा कितना बढ़िया, कितना स्मूथ सा दिख रहा है। ये देखिए, बस अभी हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम चाशनी बनाते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने एक पैन रख दिया और इसे गर्म होने देंगे थोड़ा। अब इस पैन पे हम ये एक कप हमने शक्कर ली है, तो हम इसमें एक कप पूरा नाप से अगर हमने शक्कर ली तो आधा कप ही पानी डालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम शक्कर को बस जैसे ही पिघले ना उतार लेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक चाशनी को बनाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है ना कड़ापन बहुत आ जाएगा बर्फ़ी में। और थोड़ा सा ही करेंगे, जैसे ही शक्कर पिघल जाएगी तो हमारी बर्फ़ी जो है एकदम सॉफ्ट रहेगी। अभी हमारी ये चाशनी शक्कर लगभग घुली गई है। ये देखिए कितने अच्छे से ये घुल रही है। अब इसी बीच में हम थोड़ा सा ना इसको टेस्ट के लिए हम गुलाब जल डाल देंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए हमारी ये चाशनी एकदम रेडी हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा अलग से लेके इसको ठंडा करके देखेंगे कि ये हमारी चाशनी रेडी हुई है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। अब इसको हम इस लेके ये चेक करेंगे। अगर हमारा एक तार का बन रहा है तो समझ लो ये हमारी चाशनी एकदम रेडी है। ये ऐसे तो ये हमारी चाशनी एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सारा मिक्स इसमें डालेंगे। इस तरह से इसको पूरा मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसको इस तरह से पूरा मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो। अब इस पर हम थोड़ा सा शाइनिंग लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच हम घी डाल देंगे। तरह से इस
हमें इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम इस एक पॉलिथीन में पलटा लेंगे इस तरह से, इस तरह से हम इसको पॉलिथीन में। अब इसको चिकना करने के लिए इसको हम ऐसे पलटा के इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से मलने से क्या होगा कि हमारा ये ना एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसको हम बार बार इस तरह से करके जितनी बार हम इसको ऐसे करेंगे ना उतना ही स्मूथ होगा ये, बहुत बढ़िया इसमें जो चिकनापन आएगा ना बहुत बढ़िया आएगा। इस तरह से हम इसको अल्टा पलटा के अल्टा पलटा के हमारा अच्छे से हम इसको वो करके क्या करेंगे फिर इसको पूरी तरीके से ऐसे लेके, अब ये हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसमें चारों तरफ से पनीर को ऐसे करके इसको एक सा बनाएंगे। एक सा बनाने के लिए हम इसको इस तरह से, अब इसको बेलन की सहायता से पॉलिथीन में यूं ही रहने देंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम एक सा कर लेंगे फिर बेलन लगाएंगे। ये देखिए ऐसे देते हैं, उसके बाद हम बेलन चला देंगे जहाँ जहाँ हमें लगता है एक सा हमारा आ जाए शेप। इस तरीके से ऐसे ये देखिए, ये हमने जो अपनी काजू को सेट करने के लिए रखा था ना, ये देखिए 10 मिनट बाद ये देखिए इसको कितनी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए बढ़िया, इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए इस टाइप से ही करा था कि ये पूरा चौकोर में ही आ जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे इस तरह से इसको लेके इस तरह से हमने ये पूरा चांदी का वर्क जो है इसको मैं लगा दिया है। अब इसको हम अच्छे से पीसेस में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से इस शेप में लेंगे। अब ये देखिए इसको हमने इतने अच्छे तरीके से काट लिया है, पहले साइड से लेके फिर बीच से लेके काटा। अब इसको आप एक पीस स्लाइस उठा के देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, आप खाएंगे खुद ही तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम बढ़िया से है। अब ये देखिए ये हमारी मिठाई बनके रेडी हो गई, कितनी बढ़िया इसकी थिकनेस देखिए कितनी बढ़िया है और बहुत अच्छी इसकी ये थिकनेस देखिए इतनी बढ़िया है। इसको खाओगे ना तो एकदम हलवाई जैसा स्वाद, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग, एकदम होटल जैसी लगती है कि हाँ ये बढ़िया वहाँ की है, बहुत बढ़िया है। आप इसको टेस्ट करिए एक बार और ज़रूर बनाइए अपने घर में, और पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।